गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकिता पटेल, असमिक विद्यालय किला पारडी, सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में हम बच्चों सेमिस्टर टू की एग्जाम के लिए रिवीजन में देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न नंबर एक, बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए? तो उसका आंसर होगा कि बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। प्रश्न नंबर दो, किसने बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा? तो आंसर होगा कि रजिया ने बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। प्रश्न नंबर तीन, बच्चों ने कौन सी मुसीबत दूर करने की सोची? तो उसका आंसर होगा कि बच्चों ने पानी की कमी वाली मुसीबत दूर करने की सोची। क्या? पानी की कमी वाली मुसीबत दूर करने की सोची। प्रश्न नंबर चार, अजय ने मोहन को किस प्रसंग पर बुलाया था? तो उसका आंसर होगा कि यहाँ पर अजय आएगा, अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। प्रश्न नंबर पांच, मोहन ने अजय को उपहार में क्या दिया? तो आंसर होगा कि मोहन ने अजय को उपहार में कहानियों की एक पुस्तक दी। क्या दिया? कहानियों की एक पुस्तक। प्रश्न नंबर छ, भारत माता की शान कौन है? तो आंसर होगा कि बच्चे भारत माता की शान है। प्रश्न नंबर सात, बागिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो आंसर होगा कि बागिया में फूल खुशबू फैलाता है। प्रश्न नंबर आठ, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आंसर होगा कि हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर नौ, खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो आंसर होगा कि खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। प्रश्न नंबर दस, पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो आंसर होगा कि पूर्णमासी का चांद गोल है। प्रश्न नंबर ग्यारह, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो उसका आंसर होगा कि हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। प्रश्न नंबर बारह, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो उसका आंसर होगा कि तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे रहा है। वो कैसा है कि लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे रहा है। तो बच्चों, एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर इन बारह में से ही आपको पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों, वाक्य दिए गए होंगे तो आपको उसका गुजराती में अनुवाद करके लिखना है। तो नंबर एक, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। तो उसका गुजराती होगा कि सरोवर ना किनारे भीनी जमीन हती। वाक्य नंबर दो, हम चांद के भांजे हैं। तो उसका गुजराती वाक्य होगा कि हम चांद के भांजे हैं। तो गुजराती, अमे चंद्रना भाणेज छिए। वाक्य नंबर तीन, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो बच्चों, इस वाक्य का गुजराती होगा कि हाथियों ना टोळामां केटलाक तोफानी हाथी हता। गुजराती क्या होगा कि हाथियों ना टोळामां केटलाक तोफानी हाथी हता। वाक्य नंबर चार, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। तो बच्चों, उसका गुजराती होगा कि ससला ना आगेवान ने, सरदार यानी कि आगेवान,
आगेवान ने एक उपाय सोचा यानी कि विचारियो। वाक्य नंबर 5, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तो उसका गुजराती होगा कि बाळको पानी में रमवा इच्छता हता। वाक्य नंबर 6, पानी से खेतों की सिंचाई होती है, तो उसका गुजराती होगा कि पानी थी खेतरों की सिंचाई थाय छे। नंबर 7, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, तो उसका गुजराती वाक्य होगा कि बारिश यानी कि वर्षा, वर्षात ना पानी थी तालाब में पानी भरायू। वाक्य नंबर 8, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, तो उसका गुजराती होगा कि बच्चों ने विद्यार्थियों ये पानी नी कमी इतने के तकलीफ पानी नी कमी दूर करवानू विचारियो। बाळकोए पानी नी कमी दूर करवानू विचारियो। वाक्य नंबर 9, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए, तो उसका गुजराती होगा कि एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए, तो एक दिवस बच्चे यानी कि बाळको रमतना मैदान में एकठा थया। उसका गुजराती क्या होगा कि एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकठा थया यानी कि भेगा थया। तो विद्यार्थी मित्रों, एक एक वाक्यना प्रश्नों ना, तो बच्चों एक एक वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर और गुजराती में अनुवाद कीजिए, वो आपको मैंने इस वीडियो में जो करवाए हैं उनमें से ही सेमिस्टर 2 की एग्जाम के लिए थी तैयारी करनी। थैंक यू।